हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश के वीकली करंट अफेयर यानी मध्य प्रदेश साप्ताहिक करंट अफेयर के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे 16 से 30 जून 2021 के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए उनके बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, एमपी की जितनी भी परीक्षा होंगी उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो को टॉप 40 क्वेश्चन लिए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया था तो हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, एवरी ईयर का करंट अफेयर आपको दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक में IIT मुंबई का कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों, IIT मुंबई का 117वां स्थान रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट। आपको बता दें, IIT दिल्ली का 185वां स्थान है और वहीं IISc बेंगलुरु का 186वां स्थान है। दोस्तों, ये जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है वह QS द्वारा वर्ल्ड जारी की जाती है, तो इसका यह 18वां संस्करण था। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रतिवर्ष 12 जून को मनाया जाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, 12 जून। आपको बता दें, 2002 में ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 2021 में जो थीम है विश्व बाल दिवस की, उसको बता दें बीक ऑफ एक्शन, ये थीम रखी गई है 2021 में। एक बार फिर थीम रखी गई है बीक ऑफ एक्शन। संजय यादव को हाल ही में किस कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है? तो दोस्तों, इन्हें हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, संजय यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 17 मार्च 1866 में की गई थी और इसके जो पहले चीफ जस्टिस थे वह वाल्टर मॉर्गन थे। तो आपको इतना इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंड डिस्कु सह का निधन हुआ, ये कौन थे? दोस्तों, यहाँ पर एंड नहीं, यहाँ पर एन है। एंड डिस्कु सह का हाल ही में निधन हुआ, ये कौन थे? तो दोस्तों, ये एक मुक्केबाज थे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, मुक्केबाज यानी बॉक्सर। आपको बता दें, इनका 42 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। 1998 में एशियाई खेल में स्वर्ण पदक विजेता थी। 2013 में एंड डिस्कु सह को पद्मश्री दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में G7 देशों की बैठक का आयोजन किया गया है? रिसेंटली इन विच कंट्री द मीटिंग ऑफ G7 कंट्रीज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो इसका सही ऑप्शन है UK यानी यूनाइटेड किंगडम में G7 देशों की बैठक का आयोजन हाल ही में किया गया है। दोस्तों, इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया को आमंत्रण दिया गया है। G7 कंट्री कौन कौन से हैं, तो आपको बता दें, USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कैनेडा और जापान, ये G7 कंट्री हैं। और इनमें फिलहाल 4 देशों को इनविटेशन दिया गया, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया हैं। दोस्तों, इस G7 जो ग्रुप है, इसका जो पहला आयोजन किया गया था वह 1975 में किया गया था। 2021 में जो थीम रखी गई है वह बिल्ड बैक एंड बेटर, ये थीम रखी गई है G7 कंट्रियों की बैठक की। दोस्तों, बात आई है यूके की, तो चलिए आपको मैप में ये दिखा दें, ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे, यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, राजधानी लंदन है, यहाँ की जो सम्राट है एलिजाबेथ द्वितीय हैं, बोरिस जॉनसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और जो मुद्रा है वह पाउंड स्टर्लिंग चलती है। और दोस्तों, आपको बता दें, EU से अलग होने वाला ये एकमात्र देश है यूरोपीय यूनियन में से अलग होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब जीता है? तो इसका सही ऑप्शन है ब्रेवरा क्रेजितोवा ने हाल ही में 2021 का फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। वहीं बात की जाए मेल में किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच ने मेल में यह खिताब जीता है। दोस्तों, आपको बता दें, नोवाक जोकोविच का यह 19वां ग्रैंड स्लैम है, वर्ल्ड के नंबर वन प्लेयर हैं इन टेनिस फिलहाल नोवाक जोकोविच। आपको एक और बात बता दें, ये जो बारबरा क्रेजितोवा हैं, ये है चेक रिपब्लिक की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व समुद्र दिवस 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। आपको बता दें, 2021 में जो इस बार इसकी थीम रखी गई है वह द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड, ये थीम रखी गई है विश्व समुद्र दिवस की। दोस्तों, दुनिया में इससे पहले 5 ही 4 ही समुद्र थे, लेकिन अब एक और ओशन को जोड़ा गया है जिसका नाम सदर्न ओशन रखा गया है। इससे पहले जो 4 ओशन थे वह अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और पैसिफिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
का यह कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस बार जो संस्करण का आयोजन किया गया है उसका सही ऑप्शन है 7वां, यानी 7th एडिशन का हाल ही में योग विश्व योग दिवस के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया है। आपको बता दें विश्व योग दिवस 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार यानी 2021 में जो थीम है योगा एट होम योगा विद फैमिली ये रखी गई। और दोस्तों 2020 में जो थीम थी वह थी योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम ये थीम रखी गई थी। आपको बता दें योगा दिवस की शुरुआत 2015 में की गई थी, यूएन के 69वें सत्र में इसे मंजूरी दी गई थी। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इस अवसर पर हाल ही में नमस्ते योग नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा, जिससे आप योग संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसका 7वां संस्करण था और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने बताए हैं आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का संदेश हाल ही में किस ग्रुप में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यह जो संदेश है वह G7 की बैठक में दिया गया है, तो इसका सही ऑप्शन है 2nd। ये दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में युवा शक्ति कोरोना वायरस फ्री कैंपेन कौन सा राज्य लेकर आया है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य युवा शक्ति कोरोना वायरस फ्री कैंपेन लेकर आया है। दोस्तों आपको बता दें मध्य प्रदेश में यह अभियान कोरोना से मुक्ति और वैक्सीनेशन को तीव्र गति प्रदान करने के लिए यह कैंपेन लाया गया है। दोस्तों बात आई है एमपी की, तो चलिए आपको मैप में इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों मैप में आप देख पा रहे हो ये लोकेशन मध्य प्रदेश की है, इंडिया के मैप में। आपको बता दें 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, राजधानी भोपाल है। यहाँ के जो गवर्नर वह मग्गू भाई छग्गन भाई पटेल गवर्नर है। जो मुख्यमंत्री हैं वह शिवराज सिंह चौहान है जो भाजपा से हैं। विधानमंडल की 230, राज्यसभा की 11 है और लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। आपको बता दें यहाँ पर जो पुरस्कार दिए जाते हैं तो उनमें कालिदास, शिखर, तानसेन, लता मंगेशकर, शरद जोशी, कुमार गंधर्व ये प्रमुख पुरस्कार हैं। उद्यान में बांधवगढ़, कान्हा किसली, माधव पन्ना, पेंच, सतपुड़ा और वन विहार प्रमुख उद्यान है मध्य प्रदेश में। वहीं अगर बात करें जलप्रपात की तो चचाई, बहुटी, धुआंधार, कपिलधारा और दुग्धधारा ये जलप्रपात है मध्य प्रदेश में। और बरगी, राजघाट, बाणसागर, तवा, गांधी सागर और बारना ये सभी बांध है मध्य प्रदेश में। तो आपको इतना एमपी के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो प्रतिवर्ष 14 जून को यानी 14th of June को विश्व रक्तदाता दिवस सेलिब्रेट या मनाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें 2004 से WHO के द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई थी। इस बार जो स्लोगन रखा गया है गिव ब्लड कीप द वर्ल्ड बीटिंग ये स्लोगन रखा गया है 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत 2023 तक कितने मिलियन हेक्टेयर खराब जमीन को बहाल करेगा? तो इसका सही ऑप्शन है 26 मिलियन हेक्टेयर जमीन को। भारत 26 मिलियन हेक्टेयर जमीन को बहाल करने की सोच रहा है 2030 तक, ऐसा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं? तो इसका सही ऑप्शन है रूस। दोस्तों सिप्री के अनुसार रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं और इनकी संख्या है 6255। इसके बाद यूएसए के पास 5550, यूके के बाद 225, वहीं भारत की अगर बात की जाए तो भारत के बाद 156 परमाणु हथियार हैं। दोस्तों बात आई है रूस की, तो चलिए आपको मैप में इसकी लोकेशन के बारे में बता देते हैं। लोकेशन आप देख पा रहे हैं रूस की है, यहाँ की राजधानी मॉस्को है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, प्रधानमंत्री मुखाइल मुस्टिन और यहाँ की जो मुद्रा है वह रूसी रूबल है। नाटो के शासन अध्यक्षों की हाल ही में कहाँ आयोजित की गई है बैठक? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ब्रुसेल्स बेल्जियम में हाल ही में नाटो के शासन अध्यक्षों की बैठक चेयर की गई है। दोस्तों ये नाटो क्या होता है आपको इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें, नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका फॉर्मेशन 4 अप्रैल 1949 में किया गया था, कुल 30 सदस्य हैं। इसके जो हेड हैं वह जॉन्स स्टॉलेनबर्ग हैं और जो इसका हेडक्वार्टर है वह ब्रुसेल्स में है जो बेल्जियम की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला जिला जहां सभी आंगनवाड़ी सौर ऊर्जा से संपन्न हुए हैं? तो इसका सही ऑप्शन है हरदा। हरदा देश का पहला ऐसा जिला है जहां पर जितने भी आंगनवाड़ी हैं उन्हें सौर ऊर्जा से संपन्न किया गया है। दोस्तों बात आई है हरदा की, तो चलिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हरदा के बारे में बताते हैं।
राष्ट्रपति जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, इन्होंने 4 बार और बाल गंगाधर तिलक ने 1 बार हरदा की यात्रा की थी। सर्वाधिक औसत कृषि जोत वाला जिला हरदा ही है। नेमवा नर्मदा नदी पर हिंदू और जैन तीर्थ का पवित्र स्थल है। कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर में हरदा में ही लगता है। तो दोस्तों ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हुए हरदा के। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बैतूल जिले के बारे में। दोस्तों आपको बता दें प्रदेश की पहली टिश्यू कल्चर लैब बैतूल में ही ओपन की गई थी। प्रथम गोड़ी सामुदायिक केंद्र की स्थापना 2012 में की गई थी बैतूल में। बैतूल में मुक्तिगिरी जैन तीर्थ स्थल है। भारत का मध्य बिंदु बैतूल को माना जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ग्रेफाइट का उत्पादन भी बैतूल में ही होता है। मुल्ताई ताप्ती नदी का उद्गम भी मुल्ताई जगह है जो बैतूल में है वहां से होता है। तो दोस्तों ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हुए बैतूल के बारे में। चलिए अब बात करते हैं हम खंडवा के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में। कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा खंडवा में ही होता है। मांधाता जिसे ओमकारेश्वर कहते हैं, यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर का ज्योतिर्लिंग यहीं पर स्थित है। फिल्म अभिनेता अशोक कुमार किशोर कुमार की जन्म स्थली खंडवा जिला ही है, जिसे पूर्व निमाड़ भी कहा जाता है। दादाजी धूने वाले का दरबार भी खंडवा में ही लगता है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी खंडवा जिले में ही है। संत सिंगा जी का जो समाधि स्थल है वह खंडवा जिला ही है। आपको बता दें नांगचुन बांध पिकनिक स्थल यहीं पर है। एकमात्र गांजा उत्पादक जिला खंडवा ही है। दोस्तों बात आई है बुरहानपुर की, तो चलिए आपको कुछ बुरहानपुर के इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में बता दें। असीरगढ़ का किला और खूनी भंडारा बुरहानपुर में ही स्थित हैं। बुनकरों का शहर बुरहानपुर को ही कहा जाता है। असीरगढ़ दक्षिण का प्रवेश द्वार बुरहानपुर में ही स्थित है। नेपानगर अखबारी कागज कारखाना बुरहानपुर में ही स्थित है। 1601 में अकबर की अंतिम विजय असीरगढ़ किला थी जो यहीं पर स्थित है। प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर में ही है। प्रदेश का प्रथम चांदनी ताप विद्युत केंद्र बुरहानपुर में ही लगाया गया था। तो दोस्तों ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हुए बुरहानपुर के बारे में, आपको याद रखने हैं, यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीवा टेक का कौन सा संस्करण 2021 में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इसका यह फिफ्थ यानी पांचवा एडिशन हाल ही में आयोजित किया गया है। यूरोप के बड़े डिजिटल स्टार्टअप्स कार्यक्रम में से एक है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया है और इसका नाम है वीवा टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो इसका सही ऑप्शन है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया गिविंग इंडेक्स में पहले स्थान पर है 2021 में। दोस्तों कोरोना के दौरान सबसे ज़्यादा यहाँ पर हेल्प की गई है, इसलिए इंडोनेशिया को पहले स्थान पर रखा गया है। दोस्तों अगर भारत की रैंक की बात की जाए तो भारत वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में 14वें स्थान पर है। 300 करोड़ लोगों को अनजानों ने मदद की है 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को टीवी से फ्री बनाने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों भारत को टीवी से फ्री बनाने के लिए जो लक्ष्य रखा गया है वह 2025 तक का रखा गया है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड 2025। दोस्तों 2025 तक भारत को टीवी फ्री करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश वैक्सीनेशन उत्पादन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करेगा? तो इसका सही ऑप्शन है बांग्लादेश, यानी ऑप्शन सी सही है। वैक्सीनेशन के उत्पादन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने का हाल ही में बांग्लादेश ने सोचा है। दोस्तों आपको बता दें बांग्लादेश दक्षिण कोरिया से समझौता किया है। बात आइए बांग्लादेश की, चलिए मैप में इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे हो, ये बांग्लादेश है जो हमारा एक पड़ोसी देश है। यहाँ का जो गान है वह अमार सोनार बांग्ला है। दोस्तों आपको बता दें रविन्द्रनाथ टैगोर एकमात्र कवि हैं जिन्होंने दो देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं, पहला तो भारत का जनगणमन और बांग्लादेश का अमार सुनार बांग्ला। दोस्तों इसको जो घोषित या राज देश बनाया गया था वह 26 मार्च 1971 को, यानी बांग्लादेश अपनी स्वतंत्रता 26 मार्च को मनाता है। राजधानी ढाका है, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं, प्रधानमंत्री शेख हसीना है और जो बांग्लादेशी टका है यहाँ की मुद्रा है जिसे BDT के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार ग्लोबल लीडर्स में कौन से लीडर पहले स्थान पर हैं? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार ग्लोबल लीडर्स में पहले स्थान पर हैं। इन्हें 100 में से 66% वोट मिले हैं। दोस्तों सेकंड स्थान पर मारियो ड्रैगी हैं जो इटली के प्रधानमंत्री हैं।
तीसरे स्थान पर लोपेज ओब्रेडोर हैं जो मेक्सिको के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूजा वस्त्रागार एमपी के शहडोल जिले में है। दोस्तों यह किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है यह पूजा वस्त्रागार जो है वह एमपी के शहडोल जिले से है और ये किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है क्रिकेट। दोस्तों ये क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी हैं, तो इनका नाम याद रखना है। एग्जाम में ऐसा पूछा भी जाता है कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं, तो आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया, पूजा वस्त्रकर क्रिकेट से संबंधित हैं और ये शहडोल की रहने वाली हैं। दोस्तों ये भारतीय महिला टेस्ट टीम में शामिल हुई हैं हाल ही में और इन्होंने 16 विकेट ले चुकी हैं, 6 वनडे भी ये खेल चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिल्खा सिंह का निधन हुआ। दोस्तों ये कितनी बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, जिसका सही ऑप्शन 4th है, यानी 4 बार एशियन गेम्स में ये गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। इनका नाम है मिल्खा सिंह, इन्हें कौन नहीं जानता है। दोस्तों इनका हाल ही में 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। 1958 में कॉमनवेल्थ गेम्स में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में इन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता था। दोस्तों इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था और इन्हें यह नाम जनरल अयूब खान के द्वारा दिया गया था। 2013 में इन पर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम है भाग मिल्खा भाग। दोस्तों इनकी बुक का नाम आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनकी बुक का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ, ये बुक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट मिल्खा सिंह के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और कितने यूरोपीय देशों के बीच नेवल युद्ध अभ्यास किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में भारत और 3 देशों के बीच नेवल अभ्यास किया गया है। दोस्तों इस युद्ध अभ्यास का नाम EUNAVFOR ये रखा गया है। एक बार फिर आपको नाम बता दें, इस युद्ध अभ्यास का नाम EUNAVFOR है। 2024 तक सड़क हादसों को कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य सड़क और परिवहन मंत्रालय के द्वारा रखा गया है? तो दोस्तों 50% सड़क हादसे में जो दुर्घटनाएं होती थी उन्हें कम करने का लक्ष्य हाल ही में सड़क और परिवहन मंत्रालय के द्वारा रखा गया है, जिसे 2024 तक प्राप्त करना है। आपको बता दें वर्तमान में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। कोरोना वायरस के लिए मध्य प्रदेश में कहाँ इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है? तो दोस्तों कोरोना वायरस के लिए मध्य प्रदेश में भोपाल में इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है। आपको बता दें यहाँ पर रिसर्च की जाएगी कोरोना पर। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के जो वर्तमान चिकित्सा और शिक्षा मंत्री हैं वह विश्वास सारंग जी हैं। दोस्तों बात आई है भोपाल की, तो चलिए आपको मैप में इसकी लोकेशन के बारे में बताते। दोस्तों मैप में ये देख पा रहा हूँ ये भोपाल की लोकेशन है, भोपाल का ब्रॉड मैप है। भोपाल की कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश का झीलों और पहाड़ों पर बसा शहर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपदा प्रबंधन संस्थान और वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में ही स्थित है। 1960 में ब्रिटेन की सहायता से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की स्थापना की गई थी। देश का प्रथम मॉडल ब्लड बैंक भी भोपाल में ही बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भी भोपाल में ही लगाया गया है। चार्ल्स कोरिया द्वारा भारत भवन बनाया गया है भोपाल में। भारत का सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद भोपाल में ही बनाई गई है। प्रदेश का पहला एनर्जी पार्क और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय को भी 1985 में भोपाल में ही बनाया गया था। तो दोस्तों ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हुए भोपाल के बारे में, आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जान है तो जहान है अभियान हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों यह जो अभियान है हाल ही में अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है 2nd, जान है तो जहान है यह अभियान अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों कोरोना टीकाकरण हेतु यह अभियान लॉन्च किया गया है। वर्तमान इसके जो मंत्री हैं वह मुख्तार अब्बास नकवी थे। भारत ने हाल ही में पर्यावरण के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है? दोस्तों हाल ही में भारत ने पर्यावरण के क्षेत्र में भूटान के साथ समझौता किया है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 2nd, भूटान। दोस्तों भारत के जो वर्तमान में पर्यावरण मंत्री हैं वह प्रकाश जावड़ेकर हैं। बात आई है भूटान की, तो चलिए आपको दिखाते हैं लोकेशन के बारे में। ये लोकेशन आप देख पा रहे हैं, भारत का पड़ोसी देश भूटान है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। यहाँ पर जो मोनार्च हैं वह जिम्मे खेसर हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वह लोटे त्शेरिंग हैं। विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष का कब आयोजन किया जाता है?
तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेट या ऑर्गेनाइज किया जाता है। दोस्तों इस दिवस की स्थापना 2001 में की गई थी। 2021 में जो थीम रखी गई है वह टुगेदर वी हेल लर्न एंड साइन, ये थीम रखी गई है। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार का खिताब हाल ही में सेल्जा को दिया गया है। ये किस राज्य की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थी? जिसका सही ऑप्शन है केरल। दोस्तों डॉक्टर सेल्जा ये केरल राज्य की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थी जिन्हें सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी के पुरस्कार से नवाजा गया है। बात आई है केरल की तो मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे, ये केरल का मैप है, ये ब्रॉड मैप है केरल का। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। गवर्नर आरएफ मोहम्मद खान है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। राज्यसभा की 9 और लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक का प्रतिनिधित्व कहाँ या किस देश ने किया है? तो दोस्तों G20 की बैठक का आयोजन इटली में किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है इटली। दोस्तों अगर 2020 में G20 का क्वेश्चन आता है, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं और उसमें G20 का 2020 का संस्करण का कोई भी पूछते हैं, शिक्षा मंत्रियों की बैठक, प्रधानमंत्रियों की बैठक या राष्ट्राध्यक्षों की बैठक, तो ये सभी बैठकें जो हुई हैं वह इटली में हुई हैं। तो दोस्तों आपको G20 से 2021 के बारे में याद रखना है, इटली इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको बता दें G20 के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट, इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में की गई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं वह मारिडो ड्रैगियो है। दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का पहला वाइस चांसलर हाल ही में किसे बनाया गया है? तो दोस्तों करणम मल्लेश्वरी को हाल ही में दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाया गया है। तो ये एक इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष यह दिवस 23 जून को मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है सेकंड, 23 जून। 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों 2021 में जो थीम रखी गई है वह स्टे हेल्दी स्टे स्ट्रांग स्टे एक्टिव विद द ओलंपिक डे, ये थीम रखी गई है 2021 में। दुनिया में सदी के सबसे बड़े दानवीर किसे चुना गया है? इसका सही ऑप्शन है जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा को सदी का सबसे बड़ा दानवीर चुना गया है। दोस्तों यह जो लिस्ट है वह ह्यूरन रिच लिस्ट के द्वारा जारी की गई है, जिसमें भारत के जमशेदजी टाटा को सदी का सबसे बड़ा दानवीर बताया गया है। दोस्तों इसके बाद नंबर आता है बिल एंड मेलिंडा गेट्स का, और इसके बाद हेनरी वेलकम का जो यूके के रहने वाले हैं। ये तीनों दानवीर सदी के महान दानवीरों में से एक हैं। मध्य प्रदेश में कोविड-19 से लड़ने के लिए कुल कितनी योजनाएं हाल ही में शुरू की गई हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में कोविड-19 से लड़ने के लिए जो योजनाएं चालू की गई हैं वह उनकी संख्या है 5, यानी ऑप्शन 3 सही है। आपको बता दें ये 5 योजनाएं कौन कौन सी हैं। तो पहली योजना सीएम कोविड योद्धा कल्याण के तहत, इसमें 60 लाख रुपये और अनुकंपा नियुक्ति भी दी जाएगी। दूसरी योजना है सीएम कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना। तीसरी योजना है सीएम कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना। चौथी योजना है सीएम कोविड बाल सेवा योजना। और पांचवी योजना है कोविड-19 में 1 लाख रुपए मरने वाले को दिए जाएंगे, ये पांचवी योजना है। तो दोस्तों ये पांचों योजना मध्य प्रदेश में कोविड-19 के दौरान जारी की गई हैं फॉर कोविड के लिए। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता हाल ही में किसे चुना गया है? दोस्तों आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता हाल ही में न्यूजीलैंड बना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा न्यूजीलैंड। दोस्तों न्यूजीलैंड ऐसा पहला कंट्री है जिसने आईसीसी की कोई भी वर्ल्ड कप सीरीज जीती है। इससे पहले न्यूजीलैंड कोई भी विश्व चैंपियन किसी भी फॉर्मेट में नहीं बना है। आपको बता दें दूसरे नंबर पर यानी भारत को हराकर न्यूजीलैंड ने यह आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट इस टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में आपको बता दें, तो सबसे ज़्यादा रन लबू सेन ने बनाए हैं 1675। सबसे ज़्यादा विकेट जो लिए हैं वह हमारे आर अश्विन ने लिए हैं, 71 विकेट लिए हैं। प्लेयर ऑफ द मैच काइल जेमिसन को चुना गया है। और दोस्तों जो फाइनल हुआ था वह इंग्लैंड के लॉर्ड्स में हुआ था। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आईसीसी चैंस टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में मैंने आपको बताए। इंडिया स्मार्ट सिटी कौन टेस्ट 2020 के पहले स्थान पर कौन सा शहर रहा है? तो दोस्तों इंडिया स्मार्ट सिटी में 2020 में पहले स्थान पर रहा है इंदौर। इसके साथ सूरत
ये दोनों पहले स्थान पर रहे हैं संयुक्त रूप से, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इंदौर और सूरत। दोस्तों एमपी का जो सेकंड बेस्ट स्टेट चुना गया है, पहला जो बेस्ट स्टेट चुना गया है वह यूपी है और सेकंड मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट चुना गया है। अर्बन एम्पावरमेंट थीम में भोपाल को और चेन्नई को पहले स्थान पर रखा गया है। अगर बात की जाए दोस्तों बिल्ट एनवायरमेंट थीम में जो इंदौर की 56 दुकान है उसे चुना गया है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट इंडिया स्मार्ट सिटी के बारे में मैंने आपको बताए, याद रखना है आपको। वैसे इंदौर सफाई में नंबर वन तो है ही पिछले 4 साल से। बताइए इंदौर की, तो चलिए आपको लोकेशन के बारे में बता दें। ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे इंदौर की है। इंदौर के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की मौसम वेधशाला, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र यहीं पर है। लेजर किरण परमाणु ऊर्जा संस्थान भी इंदौर में ही है। मध्य प्रदेश राज्य आयोग और वित्त आयोग का मुख्यालय भी इंदौर में ही है। भीमराव अंबेडकर की जन्म स्थली महू इंदौर में है। यहीं पर सर्वप्रथम पुलिस कमिश्नर प्रणाली मध्य प्रदेश में सबसे पहले लागू की गई थी इंदौर में। हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया है? तो दोस्तों सुरेश एन पटेल को हाल ही में, सुरेश सेन नहीं है दोस्तों, यहाँ पर सुरेश एन पटेल है जिन्हें हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर चुना गया है। दोस्तों संजय कोठारी की जगह इन्हें चुना गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाल ही में किसे जागरूकता ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपना जागरूकता ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट में खेलने वाली सबसे युवा भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा भारत की ओर से तीनों फॉर्मेट में खेलने वाली सबसे युवा भारतीय बन गई हैं। दोस्तों इनकी वर्तमान उम्र 17 साल 150 दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है 3। हाल ही में दीपिका कुमारी ने जो भारतीय हैं इन्होंने तीरंदाजी वर्ल्ड कप में 3 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। दोस्तों इस तीरंदाजी वर्ल्ड कप का आयोजन पेरिस में किया जा रहा है। अभिषेक वर्मा ने भी जीते हैं। दोस्तों इन्होंने 3 गोल्ड मेडल किस किस कैटेगरी में जीते हैं आपको बता दें, मिक्स्ड टीम में जीते हैं, महिला टीम में जीते हैं और इंडिविजुअल टीम में भी इन्होंने ये 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। चलिए दोस्तों कुछ बात करते हैं जो हाल ही में जून में CEO बनाए गए हैं उनके बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला का टेन्योर हाल ही में बढ़ाया गया है। भारतीय एयरटेल के जो CEO बने हैं वह अजय पुरी बने हैं। UN ब्यूरोक्रेसी प्रमुख के नागराज नायडू को बनाया गया है। UN सभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया है। दोस्तों अंकटाट का अध्यक्ष हाल ही में रेविका ग्रैंड स्पैन को बनाया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए। दोस्तों कोई भी ऐसा मंथ नहीं जाता, कोई भी ऐसा वीक नहीं जाता जो करंट अफेयर आप तक ना पहुंचे, तो इसलिए आपको शेयर करना बनता है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस मेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।